ये आ गए, ये हमारे आज के स्पॉन्सर है। ये स्पॉन्सर है हमारे आज के। देखो दोस्तों गौर से देखो इसे, ये देखो, ये देखो। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं सेंट्रल रेस्टोरेंट और ये हमारे दोस्त बासी जो कि गुजरात से आए हैं खास करके हमारे लिए। देखो गाइस ये मेरा दोस्त जो सिर्फ 500 रुपीस लेकर आया है और उसे इसी में बैठना है। आज का स्पॉन्सर। अरे नहीं तू ही लेना, अरे तू ही ले ले, अरे करना करके, अरे कर रहे शर्मा मत। ये देखो तो आज हम आपको बताएंगे कि सेंट्रल रेस्टोरेंट में हमने क्या क्या खाया। बहुत ही ज़बरदस्त था खाना यहाँ का, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। हम हमारे दोस्त जुनैद का वेट कर रहे हैं। ये भाई अभी तक आ ही नहीं है। देखो 9 बजे का टाइम था, 9:30 बजने आ गए, ये फिर अभी भी नहीं आया। देखो जुनैद आधे घंटे से ऊपर हो गया, हम दोनों वेट कर करके परेशान हो गए। आ गए, ये हमारे आज के स्पॉन्सर है। ये स्पॉन्सर है हमारे आज के। देखो दोस्तों गौर से देखो इसे, ये देखो, ये देखो। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंट्रल रेस्टोरेंट की तरफ जो कि नारा मस्जिद के थोड़ा सा आगे है और वीटी स्टेशन से भी 5 मिनट की दूरी पर है। ये थोड़ी देर में हम पहुंच जाएगा और ये हमारे दोस्त बासी जो कि गुजरात से आए स्पेशली हमारे लिए, और ये जुनैद ड्राइव कर रहे थे, उसके पीछे मैं बैठा था। आप देख सकते हैं ये ब्रिज है, हाईवे ब्रिज रेस्टोरेंट। और हम पहुँच गए सेंट्रल रेस्टोरेंट में। ये अब हम पार्किंग ढूंढेंगे यहाँ पर दोस्तों। ये आ गए हम सेंट्रल रेस्टोरेंट में। देखिए तो आज हम यहाँ पर चले गए अंदर और टेस्ट करेंगे सेंट्रल रेस्टोरेंट का फूड और आपको बताएंगे इसका रिव्यू। आइए अंदर चलते हैं। किधर एसी में? चलो देखो गाइस ये मेरा दोस्त जो सिर्फ 500 रुपीस लेकर आया है और उसे एसी में बैठना है। आज का स्पॉन्सर। और अब हम आ गए हैं एसी पार्टी हॉल, तो नहीं लग रहा है। ये हमारे मेन स्पॉन्सर है आज के जुनैद। जुनैद प्लीज ऑर्डर कीजिए, लीजिए। अरे नहीं नहीं तू ही लेना, अरे तू ही ले ले, अरे करना कर, अरे कर रहे शर्मा मत। ये देखो ये है इंटीरियर, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये नया नया बनाया गया है, ऊपर का प्योरली वुडन स्ट्रक्चर दिया है इसमें इन्होंने। इंटीरियर भी बहुत ही अच्छा बनाया जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था इसका इंटीरियर। मोस्टली जल्दी साउथ मुंबई में ऐसा इंटीरियर देखने नहीं मिलता है। क्या है भाई इसमें? नारंगी कबाब, लहसुनी कबाब है, नहीं है और हाँ हाँ बोलो बोलो। हजारी क्या रहेगा? हजारी अलग रहेगा ना, लेकिन इससे लहसुनी से ठीक है, तो एक हजारी ले लो फिर। बहुत अच्छा बना है, देख इंटीरियर कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए दोस्तों ये इंटीरियर है सेंट्रल रेस्टोरेंट का। इंटीरियर बहुत अच्छा है, और एक सरप्राइज है दोस्तों, हमारा एक कॉलेज का फ्रेंड यहाँ पर है। नदीम, नदीम, अरे मत बोल रहे नदीम। ये हमारे जुनैद भाई इसमें कांदे के ऊपर मसाला डाल रहे थे 10 मिनट से, लेकिन आ नहीं रहा था, थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने पूरा कर ही दिया आखिर में। ऊपर से
भाई ये खाना कब आएगा? बासित भाई आएगा, जुनेद भाई कब आएगा खाना? नदीम भाई कब आएगा खाना? नदीम भाई उस पार है, नदीम भाई को फोन करके बोलना, नदीम भाई को फोन करके बोलना पड़ेगा। ये गाइस हमारा स्टार्टर आ रहा है शायद से। चलो जब भी वीडियो निकालने आता है दूसरी जगह जाके रख देता है स्टार्टर। ये गाइस ये हमारा स्टार्टर आ रहा है, हजारी कबाब, हजारी कबाब। वाह वाह क्या बात है, निकाल के दे दे भाई। ये है हजारी कबाब दोस्तों, जुनेद भाई ने ऑर्डर दिए हमारे जो आज के स्पॉन्सर है शहजाद। आज की रात के स्पॉन्सर शहजाद, शहजाद की तरफ से बहुत ही अच्छा खाना लगा। ये है चिकन हजारी, हजारी चिकन हजारी बहुत ही टेस्टी है, चीज है थोड़ा स्पाइसी है और इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स किया गया है चिकन में, तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। ये चिकन हजारी ज़रूर ट्राई करिएगा। नारंगी कबाब, ये नारंगी कबाब भी बहुत ही टेस्टी था, स्पाइसी था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। चीज़ ऊपर से इन्होंने डाला था पूरी तरह से, तो मैं बताऊंगा अभी इसके बारे में। दोस्तों ये है नारंगी चिकन, देखिए कितना सॉफ्ट है ये चिकन और पूरा फिल्ड है इसमें, आप देख सकते हो। ये देखिए चीज़ और मसाले से भरा हुआ, मैं टेस्ट करता हूँ इसे। थोड़ा स्पाइसी है, लेमन का फ्लेवर आ रहा है इसमें और बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो रिकमेंड करना चाहूँगा ये डिश भी आप लोगों को, सेंट्रल रेस्टोरेंट में आए तो ये डिश भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आ गया हमारा चिंगारी चिकन, चिंगारी चिकन। ये तंदूरी रोटी आ गई, चिंगारी चिकन ने तो जो गजब ढाया है दोस्तों, आपको आगे की वीडियो में थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखिएगा सिर्फ वीडियो, इसका रिव्यू क्या है, कैसा है। दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था नो डाउट, सैलड भी अच्छा लग रहा था, कटिंग वगैरह इस पर नींबू डाल के हमने और मज़ेदार कर दिया था इसे। ये है चिंगारी चिकन, बहुत ही तीखा है दोस्तों, दिया दिया बहुत ही तीखा है दोस्तों। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, जो है वो है। सिर्फ दुआ दिख नहीं रहा था लेकिन निकल ज़रूर रहा था दोस्तों, मैं वो निवाला कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और ये हमारा सहारा आ जाता है। ये आ गया हमारा कोरियन टॉपिंग राइस, थोड़ा सा ये स्वीट एंड स्पाइसी था लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था ये चिकन कोरियन राइस। थैंक यू बासित, थैंक यू फॉर दिस ट्रीट। ये मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ चिकन कोरियन टॉपिंग राइस, अच्छा है, थोड़ा स्पाइसी और स्वीट है लेकिन टेस्टी है, अच्छा है। तो आप लोगों को भी अगर डिशेज टेस्ट करना हो तो आप लोग जो है सेंट्रल रेस्टोरेंट में आ सकते हो। चाइनीज़ में अगर आपको यहाँ पर कोई डिश खाना हो तो वो है चिकन कोरियन टॉपिंग राइस, जो बहुत ही टेस्टी थी वाकई में। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके, बहुत ही टेस्टी था खाना, सारी चीज़ें अच्छी थी माशाल्लाह। अभी हम जा रहे हैं, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना अगर कुछ सजेशन हो, और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।
बाहर निकल के मेरे दोस्तों का रिव्यू देखना चाहूँगा मैं, क्या कहते हैं वो। आज के हमारे स्पॉन्सर बासित भाई, खाना कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। जुनैद भाई कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की हमारी फेवरेट डिश जो है सेंट्रल रेस्टोरेंट की चिकन हज़ारी। तो वीडियो ऐसे ही पसंद करते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।